साल दे विच लोगों की लगातार जिंदगी दे विच वड्डा बदलाव आ रहा वा। लोग जिथे पहला हर चीज़ वास्ते बाहर निकल के उसकी परचेजिंग करन जांदे सी, शॉपिंग करन जांदे सी या डिनर या लंच वगैरह करन वास्ते बाहर निकलते सी, पर करोना काल दे विच लोगों की जिंदगी विच वड्डा बदलाव होया। लोग हर चीज़ अपने घर दे विच रह के करन दे विच विश्वास करन लग गए ने, ते जिसनू देखते हुए लगातार जिहड़ी हैगी सुविधावां भी उस अकॉर्डिंग बदल दिया जा रही वा। पैट जड़े ने डॉग्स होंगे ने जोड़े अजकल फैमिली का एक बड़ा हिस्सा बन चुके हैं, फैमिली मैंबर वाग लोग उन्होंने ट्रीट करते हैं, तो पैट्स के वास्ते लगातार फैसिलिटीज़ भी जी है उसनों प्रोवाइड करवाने वास्ते लगातार जोड़ा परिवार के मैंबर ने वो कोशिश करते रहते हैं। तो करोना काल के इस तरह की ही एक होर फैसिलिटी लुधियाना प्रोवाइड की जा रही है पपिंग के नाम से, जिथे डॉग्स की ग्रूमिंग जी है या मैडिकल फैसिलिटी जी है लोगों के घर जाके उसनू प्रोवाइड की जाती है। तस्वीर तुम देख सकते हो कि एक मोबाइल वैन तैयार की गई है जिस दे विच डॉग्स की ग्रूमिंग हर तरह की, जिस दे विच उसकी हेयर कटिंग या होर भी कोई किसी जिस तरह की भी उसनू रिक्वायरमेंट होंगी है वो पूरी की जाती है। तो यह सारी फैसिलिटी है लोगों के घर तक पहुँच के उन्होंने प्रोवाइड की जाती है कि कस्टमर नू किसी भी तरह का डॉग जिहड़ा हैगा लैके आना नहीं पैंदा किसी भी क्लीनिक ते। तस्वीर तुम देख सकते हो कि इस समय BRS नगर के असी खड़े हाँ, तो इतने जड़े ने डो एक डॉग की ग्रूमिंग की जा रही है कस्टमर के घर के बाहर। साढ़े नाल इस फैसिलिटी प्रोवाइड करने वाले मजदूर ने उन्होंने गलबात कर लें। सर पहले तो अपना नाम तो किस तरह माइंड के आया इस तरह की फैसिलिटी शुरू करने? जी सर, तो मेरा नाम हर्ष कुमार है, तो यह मेरा कॉलेज प्रोजेक्ट है बेसिकली, तो मैं फोर्थ ईयर पढ़ता हाले तो पर्ल अकैडमी के, यह प्रोजेक्ट मेरा फाइनल ईयर ग्रैजुएशन प्रोजेक्ट है, मेरा सैकेंड ईयर मैं काम किया। कंसैप्ट इदा है जिहड़ी भी साड़ी सर्विस होंदी है पपिंग की, पैट्स की, तो हेयर कटिंग, ग्रूमिंग, नॉर्मल रेगुलर बात, मेडिकल बात, यह सारी सर्विसिज वैन के अंदर होंगे। असी कस्टमर के घर के अंदर नहीं जाते, जस्ट उन्हों का पैट बाहर आता है, सारी सर्विसिज वैन के अंदर होंगे। तो साडा होर भी मेडिकल सर्विसिज कभी कोई डॉक्टर की लोड़ है वह भी घर आके ही साढ़े डॉग से ट्रीटमेंट करूगा, तो होर भी सर्विसिज हले होर भी आने लगे। सर एक कंसैप्ट जो है तो माइंड किस तरह आया, क्योंकि कदों तो तुम शुरू किया वा इस कंसैप्ट लिया के पिछे थोड़ा माइंड सैटअप की? मैं कई डॉग्स रिलेटिड प्रॉब्लम्स देखिया ने सलून के, लोग डॉग्स लै लेंगे ने बट उन्हों की केयर किमें करनी है यह लोगों को नॉलेज नहीं हैगी हाले। तो यह चीज़ मेरा मेन मोटिव यह भी है कि लोगों को अवेयरनैस करनी है क्यों ग्रूमिंग जरूरी होंगी है डॉग की। असी पैट लै लेंगे ने बट वो साडा फैमिली मैंबर बन जाते हैं, फिर उस तो बाद केयर वगैरह सारी साड़ी जिम्मेदारी हैगी है, तो सारा फर्ज है कि उन्होंने ध्यान असी रखिए, उन्होंने हेल्थ का ध्यान असी रखिए, हर हफ्ते उन्होंने रेगूलर चैकअप जरूरी है, तो करके मैं कंसैप्ट शुरू किया। कदों तो कंसैप्ट शुरू किया तो किस तरह का रिस्पोंस मिल रहा वा तुहानू? तो यह हुण शुरू मोर दैन 1 मंथ हो गया, यह लॉकडाउन पीरियड के मैं ये उत्ते काम किया क्योंकि लोगों को बाहर निकलन तो प्रॉब्लम हो रही थी, तो करके मैं आइडिया लेके आया, तो रिस्पोंस वधिया मिल रहा, लोगों को यदी नीड सी, लोगों ने वधिया रिस्पोंस दिता। जी सर कड़ी फैसिलिटीज़ तुम प्रोवाइड करते हो एज ए जे कस्टमर तुम कोई कॉल करता तो उसको किस तरह की फैसिलिटी तुम देंगे? तो एक साडा बेसिक बाथ रहिंदा, तो उहदे च नॉर्मल असी शैम्पूज कंडीशनर यूज़ करते हैं, एक साडा मेडिकल बाथ हुंदा जे डॉग दे विच कोई स्किन प्रॉब्लम हैगी है, कोई फंगल प्रॉब्लम, इन्हां दे टिक्स लगते हैं, कीड़े लग जाते हैं, उन्हां लई स्पैशल मेडिकल बाथ देंदे आ। तो वो आफ्टर जो मेडिकल बाथ है वो 1 मंथ विच 1 टाइम कंपलसरी जरूरी हुंदा, तो रेगूलर बाथ हुंदा कि गर्मियों के हर हफ्ते जरूरी हुंदा, तो सर्दियों विच आफ्टर 15 डेज। तो साड़ी ग्रूमिंग सर्विस होर भी चीज़ हैगी जिवें हेयर कट होंदी है, नेल कट, टूथ क्लीनिंग, ईयर क्लीनिंग, इदा दी चीज़ हैगी है। तो एक मेडिकल कंसल्टेशन जो हर महीने जरूरी होंदी है कि एक रेगुलर चैकअप डॉग की जरूरी होंदी है। सर किस तरह के तुम पैट्स नूं फैसिलिटी देंदे हो, हर तरह के पैट्स नूं देंदे हो या कुछ खास किस्म के जिहड़े या खास ब्रीड के पैट्स आ उन्होंने तक ही फैसिलिटी सीमित है? नहीं सर, असी सर्विसिज हर डॉग नूं देंदे ने, हर डॉग की ग्रूमिंग जरूरी हैगी है, कोई इदा पैट नहीं कि कोई छोटे डॉग नहलाना, तो सारे डॉग्स नूं जरूरी होंदा, तो असी सारे डॉग्स नूं देंदे हां सर्विसिज। किन्नी को मुश्किल किन्नी को फेस आती है क्योंकि हर डॉग का अपना एक फैमिली दे नाल एटमोसफेयर बनया होंदा, जदों किसी दूसरे नूं जाके उसनूं टैकल करना किन्नी को मुश्किल आती है?
सर साडा सब तो पहला काम यही होंगे असी डॉग के नाल फ्रेंडशिप करिए उन्हें कंफर्टेबल फील कराइए ताकि उन्हें प्रॉब्लम ना आए तो साड़ी टीम भी बहुत फ्रेंडली हैगी है कभी डॉग नू हिट नहीं कर सकते हो उन्हें स्ट्रिक्टली यह चीज़ असी सिक्योर वे भी चलते हैं कि कभी डॉग नू हार्म ना करिए उस चक्कर साडा फ्रेंडली है डॉग नू कभी प्रॉब्लम नहीं आती। तो जिहड़ी तुसीं मोबाइल वैन बनाई है इस दे विच किस तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड की है किस तरह इस सारा इसनों तैयार किया मोबाइल वैन नू ते अलग अलग टीम की हैल्प लिती असी हर चीज़ की फैसिलिटी साडे वैन दे विच ही हैगी है टब ए हेयर ड्रायर सारा कुछ फैसिलिटी ए सी वगैरह लगे हुआ है ताकि डॉग नू गर्मी में प्रॉब्लम ना आए तो काफ़ी फ्रेंडली अंदर माहौल है कोई इदा अनकंफर्टेबल नहीं फील करता डॉग। हूँ जिवें कोरोना का दौर चल रहा लोग बहुत प्रिकॉशन यूज़ कर रहे हैं सैनिटाइज बार बार अपने आप नू भी करते हैं तो अपने घर घर वगैरह नू भी थोड़ा उस अकॉर्डिंग कोरोना के हिसाब के नाल चल रहे हैं तो ज़्यादा लोगों नाल मिल वर्तन घट रखा हुआ तो सोशल डिस्टेंसिंग जिवें हिदायत ने उसनों पालन कर रहे हैं किस तरह की फैसिलिटी तुसी ये सब प्रिकॉशन यूज़ करते हो। तो करोना इस सिचुएशन नू दिमाग में रख के असी हर सर्विस तो बाद अपनी गड्डी नू सैनिटाइज करते हैं साडे कस्टमर्स जिहड़ी टीम है वो अपने आप नू सैनिटाइज करती है ताकि कोई इदां दी प्रॉब्लम अगे फैले ना तो कस्टमर साडा सेफ रहे। दे नाल जिहड़ी फैसिलिटीज़ देंदे हो किस तरह उहदे चार्जिज़ किस तरह ने जे कोई बुकिंग करवाउंदा उहदे ते चार्जिज़ ने या जो फैसिलिटीज़ वह हायर करता उहदे चार्जिज़ ने। तो साडी हर सर्विस का चार्ज साडी वैबसाइट ते हैगा हर चीज़ का वक्रे वक्रे चार्जिज़ रखे हुए हैं तो असी नाल दी नाल ऑफर जरूर देंदे ने जद बुकिंग तों बाद साडी हर जिवें असी सिचुएशन नू देख के कैश का कट रखते हैं तो असी ऑफर देंगे ने जो ऑनलाइन पेमेंट करोगे तो असी उन्होंने भी डिस्काउंट्स देंगे ने ताकि एक डिजिटल करंसी का भी असी ध्यान में रखिए। लोगों ने जो थोड़े ना संपर्क करना हो तो किस तरह संपर्क कर सकते हैं फोन नंबर या वैबसाइट नंबर जो देना चाहो। तो साड़ी वैबसाइट हैगी जी www.pupping.in और जो हमारा मोबाइल नंबर है ऑफिस का नंबर है दैट इज़ 9815964069 तो तुसी सानू व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हो तो सानू मेल भी कर सकते हो info.pupping.com ते। सर्विस एरिया केड़ा वा तुहाडा मतलब कि कित्थे तक तुसी सर्विस प्रोवाइड करते हो। ये असी साडी होर भी वैन रेडी हो रही ने तो असी लुधियाना तो बाहर भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं जिवें आउटर खन्ना वगैरह जे उत्थे इकट्ठे सानू ऑर्डर आते हैं वैसे असी पूरे लुधियाना डिलीवरी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं जी। बिल्कुल तस्वीर तुसी देखिया कि किस तरह मोबाइल वैन तैयार की गई है जिस दे विच डॉग्स की ग्रूमिंग तो लैके हर तरह की उसनू फैसिलिटी दी जा रही है कि डॉग्स क्योंकि अजकल जिहड़े पैट्स ने फैमिली का हिस्सा बन चुके ने ते लोग इन्हां नू अपने फैमिली मैंबर्स की तरह ही जिहड़ा ट्रीट करते हैं तो इन्हां दी जो भी इन्हां दी फैसिलिटी होंदी आ उसनू देन तो पिछे नहीं हटते। तस्वीरां तुसीं देख सकते हो कि मोबाइल वैन के अंदर दीआं तस्वीरां ने जिस दे विच एक डॉग नू ग्रूमिंग की जा रही है उसनू बाथ नहलाया जा रहा ताकि जो उसनू फैसिलिटीज़ कस्टमर वालों प्रोवाइड कराने वास्ते किया जाता वो इस पूरी एक वैन के अंदर वो सारी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। तस्वीर तुम देख सकते हो कि एक यूनीक आइडिया जोड़ा है करोना काल के आया वा बेशक कई नवे आइडिया इस करोना काल के सामने आए हैं तो उन्होंने ही एक मोबाइल पैट मोबाइल वैन का भी आइडिया सामने तुम देख सकते हो। पपिंग नाम की इस मोबाइल वैन के आल ओवर लुधियाना के फैसिलिटी दी जा रही है एट डोर स्टैप कस्टमर के घर के घर तक पहुँच करके उन्होंने पैट नू फैसिलिटी दी जाती है। साडे नाल कस्टमर भी मौजूद ने जिन्हां दे डॉग्स नू अंदर मोबाइल दे विच फैसिलिटी दी जा रही है। सर की नाम है तुहाडा ते अज तुसी इत्थे क्यों आए हो। हाँ जी मैं हरप्रीत सिंह है जी माई वाइफ शैली टक्कर है हरप्रीत सिंह टक्कर मैं होटल टैक्सिस का मालिक है जी इत्थे ते मैं इत्थे ही बी आर एस नगर बी ब्लॉक 90B 99B दे विच रिजाइड करदा ते सानू मैं एक्चुअली अपने घर के नेड़े ही हाँ जी बिल्कुल नाल ही हाँ तो इन्हों की सर्विस लई सी एक्चुअली सानू घर का जिवें सारे पता ही है कि आपां घर दे कुत्ते जिहड़े हुंदे आ या पैट्स जिहड़े आपां रखदे आ आपां बिल्कुल एज ए फैमिली मैंबर बना लैंदे आ जिवें आपां नूं लगदा ही है कि वह फैमिली मैंबर है सारे ते सब तो बड़ी प्रॉब्लम उन्हां नाल इह आंदी है कि उन्हां नूं ट्रीट करना और उन्हां नूं ग्रूम करना उन्हां दे वास्ते साडी बहुत बड़ी दिक्कत सी। मेरे कोल 3 पैट ने ऑलरेडी ते सानूं ग्रूम करन दी हमेशा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती सी जी ते लै के जाना करना अपना टाइम लैके जाना और साढ़े तो बगैर कुत्ता जाता नहीं सीगा हुण इन्नी शानदार सर्विस तुहानूं पता ही है जी ए पपकिंग दे नाम से सर्विस आपां शुरू की है जी एक घर ही सर्विस देंदे ने जी सीधी वैन साडे घर दे दरवाजे दे मूहरे आ जांदी एंड दे पीपल आर सो फ्रेंडली
डॉग इन्हां दे नाल इदां ही हुण जिवें एक महीना ही होया तां इन्हां दे नाल फैमिली दे वकन जुड़े हुए है जी, इदां लगदा जिवें घर दे बच्चे आए हुए उदां आंदे है जी। तो उन्होंने नाल हुण असीं ये पूरी सर्विस लै रहे इन्हां कोलों। हुण मेरे एक डॉग नूं टिक्स की प्रॉब्लम आ गई थी, इन्हां ने सारा मैडिकल ट्रीटमेंट भी उहदा कीता, सब कुछ किया, जिहदी सानूं पता नहीं किन्ने हज़ार रुपये कॉस्ट पैनी थी जी, विद ए वेरी नॉमीनल कॉस्ट साडा सारा कुछ इत्थे होया। तो ग्रूमिंग का तो मतलब ऐं लगता जिवें हुण आपां अपने आप नूं ग्रूम करते उवें हुण साडे पेट्स भी उदां ही ग्रूम करते और कोठी च घूमते, बहुत शानदार लगते जी। जिवें जी बिल्कुल बिल्कुल फैमिली मैंबर दा बन जाते हैं पेट्स जिहड़े आपां पालदे आ। वूमेंस का काफ़ी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम जो कोई कोठी के पेट्स रेंगे उन्होंने ज़्यादा टाइम उन्होंने रहा वा, एज ए तुम किस तरह समझते हो जी फैसिलिटी दी जा रही है कितनी को फायदेमंद है ते तुहानू किस तरह लग रही है? मैनू तो ये बहुत फायदा होंगे क्योंकि पेट्स ले जाना आना बड़ा मुश्किल होंगे। मेरी एक पेट जी है बहुत ओल्ड है, शी इज़ 14 ईयर्स ओल्ड, तो इसलिए मैं ये फटाफट मैं सर्विस जदों भी मिलने लग पी है ना, तो मैं बड़ा सैटिस्फाइड है। घर आके ही सारे मतलब ग्रूमिंग भी कर सर्विसिज भी मिल जाती है, कोई चीज़ की लोड़ हो इस वे दे देता है, चाहे खाने की चाहे मेडिसिन की चाहे कुछ भी हो सब पहुँचा देता है। तो करोना का जिवें टाइम चल रहा लोग काफ़ी प्रकोशन यूज़ कर रहे, अपने आप वास्ते भी प्रकोशन यूज़ कर रहे हैं, तो अपने जो होर पैट्स वगैरह ने उन्होंने वास्ते भी प्रकोशन यूज़ कर रहे हैं। तो इतने जी फैसिलिटी दी जाती है किस तरह समझते हो कि हाँ भी करोना काल के सब फैसिलिटी सही दी जा रही है? हाँ जी, सब सैनिटाइज करके सारा कुछ मास्क वगैरह लगा के ता है सारा फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। कितनी को फायदेमंद समझते हो आम लोगों वास्ते, क्योंकि आजकल टाइमिंग की बहुत शॉर्टेज रहती है, हर कोई वर्किंग है, तो डोर स्टैप पे आके जो इस तरह की फैसिलिटी दी जाती कितनी को फायदेमंद? मैंने देखो टाइम भी बचता है, तुहानू जाना भी नहीं पैंदा, और डॉग्स नू दूसरी जगह लैके जाना भी बड़ी मुश्किल आती है। हुण जदों घर सर्विस मिलती है सारे कंट्रोल कर सकते मैंबर्स, वो तो फिर एक सर्वेंट नू भेजना पैंदा सी, वो कंट्रोल नहीं कर सकता सी, ते सारे मेंबर्स होंदे ते कंट्रोल असी कर सकदे हैं। इट्स अ विन-विन सिचुएशन जी, इट्स अ विन-विन सिचुएशन जी, 100% विन-विन सिचुएशन है। इत्थे वधगी सर्विस जिवें हुण आपां अजकल अमेजोन शुरू होया सीगा, ते लोकी पहला सोचदे सी किवें होएगा किवें होएगा, हुण आई थिंक साडा 40% 50% ऑफ द समान जिन्ना भी असी ऑर्डर करदे आ ते सारा आपां नूं होम डिलीवरी फ्लिपकार्ट तों अमेजोन तों होर भी ऐप्स तों मिलदा जी। इट्स द सेम काइंड ऑफ सर्विस जी, जे लोकी अज हुण मेडिसिन्स तक असी इत्थों बाहरों मंगवांदे मतलब लैण नहीं जाणा पैंदा, दे आर बीइंग डिलीवर्ड एट होम ओनली जी। इट्स द सेम काइंड ऑफ सर्विस जी कि तुहानू हुण बाहर जाण दी लोड़ नहीं है, धक्के खाण दी लोड़ नहीं है, उत्थे लाइन च लगन दी लोड़ नहीं, यू हैव एन अपॉइंटमेंट, यू कम यू कॉल दैम, यू वैबसाइट ते बुक कर लो, ईमेल कर लो, ते उन्हां चीज़ां दे नाल तुसीं अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स करो, दे कम ओवर एंड दे गिव यू द प्रॉपर सर्विसिज। तुहानू उह चीज़ मैनूं तां नहीं लग्या सानूं बाहर कदी इदां दी सर्विस मिलदी है, और तुहानू पता हुंदा वी एक्चुअली तुहाडा डॉग किदां ट्रीट हो रहा सब कुछ, क्योंकि उत्थे सर्वेंट हुंदा, इत्थे असीं आप हुंदे आ नाल, सामने खड़े हुंदे, अपने सामने सर्विस हुंदी है, एंड इट्स एन मार्वलस सर्विस एंड द कंसैप्ट इज़ सो गुड एंड आई थिंक इट इज़ गोइंग टू बी अ हिट। मैनू भी मेरे दोस्त ने रैफरेंस दिता सीगा, असीं अगे ऑलरेडी 10 बंदियां नूं रैफरेंस दे चुके हैं जिहड़े ऑलरेडी इन्हां दी शायद वेटिंग लिस्ट 'च हैगे जी। जी बिल्कुल, अजकल होम डिलीवरी का टाइम है, तो डॉग्स लवर्स वास्ते इस तो वड्डी होम डिलीवरी नहीं हो सकती कि उन्हों का जिहड़ा डॉग है उन्होंने घर के उन्होंने अखा के सामने उसनों ट्रीट किया जाता है, ना कि किते क्लीनिक दे विच ले जाके। कस्टमर भी सैटिस्फाइड नज़र आ रहे हैं इस फैसिलिटी तो, क्योंकि करोना काल के लोग जिहड़ा हैगा अपने आप में प्रकोशन जिते यूज़ कर रहे हैं, उत्थे अपने डॉग्स वास्ते भी प्रकोशन यूज़ कर रहे हैं, तो इस तरह की फैसिलिटी कस्टमर वास्ते काफ़ी फायदेमंद सिद्ध हो रही है करोना काल के। कैमरामैन रोहित दे नाल विवेकता, दैनिक सवेरा टीवी लुधियाना। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद, पंडित मौलवी बेगम तांत्रिक, इन्हां चोरा ठग्गा तो सावधान, स्पेशलिस्ट वशीकरण सट्टा नंबर, लव मैरिज, पति पत्नी च अनबन, विदेश च पक्का होना, कारोबार दा ना चलना, सिर्फ 31 घंटिया विच समाधान, फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद, मोबाइल 84374 9947 84374 9948। देश दुनिया की हर वड्डी खबर के लिए हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स।